अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो सीरीज़ में मैं एक ई कॉमर्स साइट बनाने जा रहा हूं रिएक्ट और फायरबेस के साथ। तो मैं पहले आपको इस साइट का डेमो दे देता हूं। ये हम अपने मेन राउट पे हैं और यहां मेरे पास एक नैव बार है और इस नैव बार में मेरे पास एक साइन अप और एक लॉगिन का लिंक है। ये दोनों लिंक्स अपने रिस्पेक्टिव पाथ की तरफ रिडायरेक्ट होते हैं, साइन अप का साइन अप की तरफ और लॉगिन का लॉगिन की तरफ। इसी मेन राउट पर मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स रेंडर्ड हुए हुए हैं और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मेरे फायर स्टोर डेटाबेस में सेव हुए हुए हैं। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मैं एक फॉर्म के थ्रू अपलोड करता हूँ। तो जब हम अपने ऐड प्रोडक्ट्स के पाथ की तरफ राउट करते हैं तो मेरे पास एक कंपोनेंट है ऐड प्रोडक्ट्स, ये रेंडर होता है और इसी कंपोनेंट में मेरे पास एक फॉर्म है जो कि मैं अपने प्रोडक्ट्स डेटाबेस में सेव करवाने के लिए यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको इसका एक डेमो देता हूँ। ये जो मेरी इमेज है ये मेरी फायरबेस की स्टोरेज में से होगी। मैं सबमिट करता हूँ तो मुझे एक सक्सेस का मैसेज शो हुआ और मेरा जो प्रोडक्ट है वो मेरे डेटाबेस में सेव हो गया है। हम चलते हैं स्टोरेज की तरफ। मेरी जो इमेज थी वो मेरी स्टोरेज में सेव हो गई है। हम वापस अपने मेन राउट की तरफ जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो डेटाबेस से फैच होके मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब इस पॉइंट पे हमारे पास कोई यूज़र नहीं है तो अगर हम ऐड टू कार्ट करते हैं तो हम लॉगिन के पेज की तरफ रिडायरेक्ट होंगे, लॉगिन के पाथ की तरफ रिडायरेक्ट होंगे। तो पहले मैं आपको साइन अप करके दिखाता हूँ और मैं आपको ऑथेंटिकेशन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास एक यूज़र ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो मैं इसी यूज़र की ईमेल के साथ एक यूज़र बनाने की ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फायरबेस के जो डिफ़ॉल्ट एरर होते हैं वो मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मैं सही ईमेल यूज़ करता हूँ और साइन अप करते हैं तो मुझे एक सक्सेस का मैसेज शो होगा और हम लॉगिन के पाथ की तरफ राउट करेंगे। अब मैं ऑथेंटिकेशन के पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा यूज़र क्रिएट हो गया है और इस यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे फायर स्टोर डेटाबेस के कलेक्शन यूज़र्स में सेव हो गई होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं इस यूज़र को लॉगिन करता हूँ, एक मुझे सक्सेस मैसेज शो होगा और हम अपने मेन राउट की तरफ दोबारा रिडायरेक्ट होंगे। लेकिन अब हमारे पास यूज़र हैं तो हम साइन अप और लॉगिन के लिंक को यूज़र नेम, एक कार्ट का आइकन और लॉग आउट के बटन से रिप्लेस करेंगे। और अब हमारे पास यूज़र है तो हम ऐड टू कार्ट के फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। मैं ऐड टू कार्ट करता हूं तो यहां पे मुझे इंडिकेट हो रहा है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो मेरे कार्ट में ऐड हो गया है। मैं एक दो प्रोडक्ट और ऐड करता हूं और अब जब हम इस कार्ट के आइकन पर क्लिक करेंगे तो हम कार्ट के पाथ की तरफ राउट होंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट मैंने ऐड करवाए थे वो मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने अपने डेटाबेस में सेव करवाए हुए हैं। डेटाबेस में कार्ट प्लस यूज़र की जो भी यूआईडी होगी उसके साथ एक कलेक्शन बनेगा और इस कलेक्शन में जो भी मेरे पास प्रोडक्ट्स होंगे वो सेव हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक क्वांटिटी और टोटल प्रोडक्ट प्राइस भी इंक्लूड की है। वो इसलिए की है कि मेरे पास यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ऑप्शन है। मैं अपने प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकता हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी डिक्रीज़ कर सकता हूँ। तो
जो क्वांटिटी होगी और जो टोटल प्रोडक्ट प्राइस होगी वो यूआई के साथ साथ मेरे डेटाबेस में भी सेव होगी। तो अब अगर हम पेज रिफ्रेश करते हैं तो मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो क्वांटिटी के साथ और जो भी टोटल प्रोडक्ट प्राइस होगी, टोटल प्रोडक्ट प्राइस अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, तो वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगी। तो अगर पेज भी रिफ्रेश होता है तो जो भी डेटाबेस में होगा वो मुझे यहाँ पे नज़र आएगा। ये जो आइकन के ऊपर इंडिकेशन है ये टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, 3 + 2 + 1 = 6। मैं प्रोडक्ट्स अपने डिलीट भी कर सकता हूँ, मैं ये वाला प्रोडक्ट डिलीट कर देता हूँ, इसकी क्वांटिटी टू है। तो अब हमारे पास 3 + 1 ये 4 हो गया, और जो मैंने प्रोडक्ट डिलीट किया था वो मेरे डेटाबेस से भी डिलीट हो गया है। अब आखिर में मेरे पास कार्ट समरी है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 4 और टोटल प्राइस टू पे 35,600। ये जो प्राइस है ये इस प्राइस और इस प्राइस का सम है। चेकआउट के लिए मैंने स्ट्राइप की एपीआई का इंटीग्रेशन किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्ट्राइप का एक डिफ़ॉल्ट पॉपअप ओपन होगा, अब हम चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट पे हम वापस अपने मेन राउट की तरफ रिडायरेक्ट होंगे। ये मैं मेन राउट की तरफ रिडायरेक्ट हुआ, मुझे एक सक्सेस का मैसेज मिलेगा और मेरा जो कार्ट है वो वापस एम्प्टी हो जाएगा। इसका मतलब मेरे जो डेटाबेस है वहाँ से मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो डिलीट हो रहे हैं। इस कार्ट में मेरे पास अब कोई प्रोडक्ट नहीं है। मैं मज़ीद प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता हूँ, ये मैंने 2 प्रोडक्ट्स ऐड किए और डेटाबेस में मेरे जो प्रोडक्ट हैं वो ऐड हो गए। मैं आपको स्ट्राइप का डैशबोर्ड दिखाता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो जो मैंने चेकआउट किया था उसकी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे शो हो जाएगी। ये मुझे जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मुझे यहाँ पे शो हो गई। मैं अब इस यूज़र से लॉग आउट करता हूँ, और मेरे पास एक यूज़र ऑलरेडी क्रिएटेड था, मैं उससे लॉगिन करता हूँ। तो इस यूज़र को जो कार्ट था वो 0 है, वो इसलिए कि जो कार्ट का कलेक्शन है वो यूज़र की यूआईडी के साथ बन रहा है। तो अब मैं इस यूज़र से भी एक चेकआउट कर लेता हूँ, इसमें मैंने 2 प्रोडक्ट्स ऐड किए, मैं पे विद कार्ट करता हूँ। ये हम अपने मेन राउट की तरफ रिडायरेक्ट हुए और मुझे एक सक्सेस का मैसेज शो हुआ और मेरा जो कार्ट है वो वापस एम्प्टी हो गया। और अब अगर मैं अपना डैशबोर्ड स्ट्राइप का डैशबोर्ड रिफ्रेश करूं तो मेरे पास जो चेकआउट की इंफॉर्मेशन थी वो मुझे यहाँ पे शो हो गई। एक मैंने जीएस सॉल्यूशन के साथ चेकआउट किया, एक मैंने मारियो के साथ चेकआउट किया। तो दिस इज़ इट फ्रॉम द प्रोजेक्ट। अच्छा, इससे पहले मैं एक सिमिलर प्रोजेक्ट बना चुका था, वो ये था, और इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई थी, वो प्लेलिस्ट ये थी। और इस पर मुझे काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन मिला था और इसके साथ साथ एक फीडबैक भी मिला था। अच्छा, पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस प्रोजेक्ट का एक प्रॉब्लम ये थी कि ये जो कार्ट के प्रोडक्ट्स थे ये मैंने डेटाबेस में सेव नहीं करवाए हुए थे। तो अगर मैं पेज रिफ्रेश करता था तो जो प्रोडक्ट्स थे वो डिलीट हो जाते थे। तो इस प्लेलिस्ट पर मुझे ये फीडबैक मिला था कि मैं ऐड टू कार्ट फिक्स करूं। इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट में मैंने कोई पेमेंट एपीआई का इंटीग्रेशन नहीं किया था। सिंपल सा मेरे पास एक कैश आउट का राउट था और यहाँ पर एक फॉर्म था और इस फॉर्म की डिटेल्स मैं अपने फायरबेस में सेव करवा रहा था। तो अब जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ
और एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा इसकी, जो भी वीडियोस आएंगे इसको एक प्लेलिस्ट में इंक्लूड करूंगा, तो वो जो प्लेलिस्ट है वो इस प्लेलिस्ट की रिप्लेसमेंट होगी इंशाल्लाह। तो आप लोग एक स्क्रैच से रिएक्ट प्रोजेक्ट बना सकते हैं, मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया है और मैंने इस प्रोजेक्ट को अपने गिटहब पे पुश भी कर दिया है, तो आप लोग चाहें तो इसी प्रोजेक्ट को क्लोन कर सकते हैं। और मेरे इस प्रोजेक्ट के जितने भी पार्ट्स बनेंगे तो हर एक स्पेसिफिक पार्ट को मैं यहाँ पे ब्रांचेस बना के कोड पुश कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आएगा, आई होप के यू विल ऑल इन्जॉय दिस। तो अब हम अगली वीडियो से कोडिंग स्टार्ट करेंगे, तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।